तो गाइस देखिए, आज सोनू ने केक बनाया है। तो क्या डाला बाबू इसमें? इसमें मैंने मैदा डाला है और दूध और चीनी को मिक्स किया पहले, फिर मैंने उसमें मैदा डाला। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भी डाला था एंड इलायची डाला था। और तो परफेक्ट बैटर ये हमारा, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। ये जो अब ऐसा जब रनी सा होता है ना, तो ये हमारा परफेक्ट बैटर होता है। तब सिंपल थोड़ा केक। सा पिंच जितना हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। तो ये हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला तो हमारा ये केक का बैटर बन के रेडी है। अभी ये इसके अंदर जाएगा। अभी फिलहाल ना ये डालना भी बाकी है, बेकिंग सोडा डालना भी बाकी है। हाँ तो अभी हम डालेंगे, पहले कुकर को हम गर्म होने देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुकर गरम करने रख दिया, उसमें थोड़ा पानी रख दिया। बैटर रेडी है, इसमें अभी बेकिंग सोडा डाल दिया मेरी लड़की ने। तो ये बैटर अभी दूसरे बर्तन में निकाल रहे केक बनाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो ये है केक का बैटर। तो हाय गाइज, आप कैसे हो? आए हो? आप अच्छे हो गए? मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको केक कैसा लगा बताइएगा लास्ट में कमेंट करके। तो गाइस पूरा वीडियो आप तो अभी पानी गर्म हो चुका है, अभी हमारा ये केक का बैटर इसके अंदर जाएगा। तो ये हमारा, एक मिनट, हाँ ये केक का बैटर हमारा इसके अंदर चला गया है। अभी हम इसका लीड लगा देंगे। तो हमारा केक का बैटर इसके अंदर चला गया है। अभी इसको हम जोर जोर, तर इथे मध्ये थोडंसं पाणी पडलं आहे, तर हे एवढं काही टेन्शन नाही। पण आमचा केक ना खूप सॉफ्ट झालेला आहे, इतका सॉफ्ट झालेला आहे की इथे दाबते तरी तो आतमध्ये जाऊन परत पुढे येतोय। बाउन्सी एक एक इतका मस्त आणि फुगलेला आहे आमचा केक। मीने ना मी इथपर्यंत टाकलेलं, पण ते आता इथपर्यंत फुगून वरती आलेलं आहे। ते मी आता पंख्यासमोर ठेवलंय ते थंड व्हायला। तो गाइज अब अभी आप देख रहे हो मेरी लड़की चाकू से कटिंग कर रही है, लेकिन उसको चाकू से कट नहीं हो पा रहा है, उसको नहीं जम रहा है। तो गाइज बाद में मेरे को बोली सुई डोरे का वो धागा लेके आना, तो मैं उसको लाके दी। तो अभी ये धागे से नहीं कर रही, लेकिन क्या है वो पहले ना चाकू से गोल कटिंग करना चाहिए था पहले, तो वो भूल गई यार, उसको याद नहीं था करने के लिए। तो फिर बाद में उसने चाकू से दोनों मतलब ऐसा पूरा गोल में चाकू से कट किया। अभी धागे से पूरा ऊपर का लहर कट कर रही है, आप देख सकते हो गाइस। तो ये लीजिए भाई साहब, ये हो गई है कटिंग केक की। तो आप देख सकते हो ऊपर का हिस्सा कट हो चुका है, बहुत स्पॉन्जी केक बन चुका था गाइस। इतना अच्छा केक लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। देखिए आप कितना सॉफ्ट है, इतना नरम केक है और कितना स्पॉन्जी है, आप देख सकते हो। तो मेरी बच्चे ऐसे दिखाते दिखाते उसने तोड़ दिया, बहुत क्या करे क्या ही गाइस करे। ये ऊपर का हिस्सा, तो गाइज ये ऊपर का हिस्सा हम दोनों ने माँ बेटी ने खा लिया। तो फिर बाद में मेरी लड़की बोली मम्मी पहले तू टेस्ट कर ले ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर का हिस्सा हम दोनों ने खाया, तो उसको दूसरे दिन हम लोग ने रख दिया सुबह नाश्ते में खाने के लिए गाइज। तो आप देख सकते हो केक कितने अच्छे से बन चुका है गाइज। तो